मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया दा ब्लॉग। तो सुबह हो गई है, मैं उसके लिए टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। तो रात को मैंने छोले बनाया था, तो मैंने उसका मसाला और थोड़ा उबला हुआ छोले रख दिया था उसके लिए, मतलब टिफिन में सुबह दे दूँगी उसको। भी छोले पसंद है, उसके लिए बनाऊँ क्या? उसका पापा तो छुट्टी ले रखे थे, तो इसके लिए मैंने सोचा वही दे दूँगी, फिर छोले के साथ पूरी दे दूँगी। तो इधर मैं छोले बना लिया, उसके लिए पूरी बना रही हूँ। फिर मैं चलो दो चार पूरी दे दूँगी, चार पूरी दे दूँगी और एक ही खाएगा। तो बस फिर इसके लिए टिफिन भेज दूँगी। उसका पापा का छुट्टी है, मतलब छुट्टी ले रखे है, वो कुछ काम है उनका, तो वो छुट्टी ले रखे, तो उसको मैं फटाफट टिफिन तैयार कर देती हूँ। टिफिन तैयार करके आपसे मिलती हूँ। तो छोले पूरी बना लिया, फिर मैं इसको टिफिन पैक कर दी हूँ। थोड़ा टिश्यू पेपर दे दिया, तो जितना तेल है वो सारे मतलब टिश्यू में खींच लेगा। तो बस अभी मैं इसको पूरी दे दूँगी, सॉरी पूरी दे दूँगी और छोले दे दूँगी। फ्रूट्स में पता नहीं क्या लेगा, उसको पूछती हूँ। बनाना रखी हुई है, एप्पल रखी हुई है, तो उसको क्या लेगा पूछती हूँ। फिर मैं उसको फ्रूट्स भी दे दूँगी। फिर बहन वाला अभी 8 बजे का स्कूल हो गया, मतलब ठंडी में 9 बजे का था, तो अभी 8 बजे का स्कूल हो गया, तो अभी 7:30 बजे बहन बोला आ जाता है। तो और ऐसे भी वो अपना अभी नहा लेता है, बस उसको टिफिन पैक करके देना होता है, कपड़े वपड़े थोड़ा ठीक ठाक करना होता है, फिर अपना रेडी होकर चला जाता है। रेडी आज पूरी बनाया क्या तुमने? हाय हाय, तू खाएगा अपना, मैं पैक कर दूंगी। मैं क्या देता हूँ? खत्म हो गया। और इधर खा लो, उधर खा। बिल्कुल नहीं। ना, और खाली करने जाए। एक दो, दो बार दो। एक दो। और कौन सी पूरा जाएगा सारे? सारे पे पूरा जाएगा। ये सब बंद क्यों नहीं हुआ? पैक हो गया क्या? सब कुछ डाल दे। कितने मिनट हो गए? हाँ, टिफिन के लिए छोटा बैग कर लेते, जैसे बैग में पानी बोतल लेके बैठा है, छोटा सा बच्चे लेके जाते, मैं देखा हूँ। आ गया, आ गया। आ रहा, आ रहा। अजीब लग रहा है। कोई आया नहीं क्या? आया ना, दो बच्चे आए बस। अच्छा, दो बच्चे आए सानू, दो बच्चे आए आज, तू तीसरा आया, और कोई नहीं है। आराम से जाना, बाय। पानी बोतल रख दिया क्या? देखा ने? तो
में से पानी बोतल छोड़ देता है। पानी बोतल भूलना नहीं। हाँ 600 रुपये का पानी बोतल है। कितना दिन से साथ था, बच्चे खेल लेते कूद लेते, अब अकेला हो गया, क्या कर सकते। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया द व्लॉग। स्कूल चला गया, अभी मैं बनाती हूँ चाय।
वो मिट्टी दूसरे में डाल दो, मिट्टी मिट्टी हो जाए फिर दोबारा साफ करना पड़ेगा मुझे। तुमको थोड़ी सी निकाल लो इसमें। अरे वो जगह नहीं है, तुलसी थोड़ा पानी डालने के लिए तो जगह चाहिए। नखुन में तो सारे मिट्टी घुस जाएगा, अभी खाद नहीं है मिट्टी में, खाली मिट्टी है इसमें, थोड़ा खाद है। दोबारा छोड़ दो। हाय हाय देखा आज सांडे है ना, तो मिट्टी उतर चुका था जो होलिया बता नहीं। इसमें पानी डालने के लिए जगह नहीं है, ढंग से कर, रगड़ दांत को रगड़ना पड़ता है शीशा देख के। विष्णु ना, विष्णु और तुलसी वो साथ में हिलाना नहीं चाहिए। वैसे बोलते ठीक है ना। मेरा क्या ना, दो ग्लास पानी तो जाए कम से कम, दो बड़ा उठो भैया, उसको लगा दो। देखो इसमें दो आ गए, पूरा मिट्टी हो पत्थर की तरह पूरा। सारे ऊपर वो था क्या था, खाद, खाद मिट्टी तो नीचे ही है। ये बात, अरे वो तुलसी को लग जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे ये पागल छोकरा, ये ऊपर ऊपर ही डाल दिया। अब नहीं आज कल चेहरा, ये गोछ भीतर को जाई नहीं नहीं है बस। तो ये सांडे है, सांडे सुबह मैंने बाल में तेल लगाया, सबको लगा दिया, मैंने भी लगाया, लगा के जूड़ा बना दिया। बाल धोऊंगी, जब नहाऊंगी धो लूंगी, तब तो मैं आगे मतलब बाहर थोड़ा वो सॉरी पौधे में थोड़ा मिट्टी खोद दूंगी, जगह हवा घुसेगा तो अभी छोड़ दूंगी, मतलब मिट्टी खोद के छोड़ दूंगी, फिर शाम को पानी डालेगा सारे पौधे में मैं खोद लूंगी। बस थोड़ा सा मतलब फूल का पौधा लगाया हूँ, कुछ नहीं है, सारा फूल का पौधा लगाया हूँ। तो इसमें मैंने ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, चांदनी ऐसा कुछ कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का छोटे छोटे फूल आते हैं। तो बस ये सारे खोद के रख दूँ, बस मुझे पूजा के लिए डेली एक दो फूल चाहिए, इसके लिए सारे लगाया हूँ। ये पिटोनिया, ये गुड़हल का फूल, ऐसे कुछ लगाया हूँ 8-10 पौधे बस है। तो इसको सारे मैं इसमें वो डाला था पंपकिन सीड डाला था, उसका पौधा लग गया, तो बस उसको देखते हैं कितना बड़ा होता है नहीं होता, बस यही है सारे। इसको भी मैं लगा दूंगी, मतलब मिट्टी खोद के छोड़ दूंगी, हवा जाएगा, फिर इसको मैं बाद में मतलब शाम को पानी डालूंगी, बस यही है। फिर अभी जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊंगी, फिर उनको मतलब दोनों मार्केट। तो अभी मैं आ गई पोहा बनाने के लिए, वो दोनों पापा और बेटा दोनों गए, और फिर बाल कटेगा तो उसको लेके गए। उसका तबीयत खराब बहुत, उसका तबीयत खराब है, उसका पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो दिन भर मतलब सो रहे थे दिन भर, मतलब कल आज तो भोर दे रही हूँ मैं, कल दिन भर बिस्तर से उठ नहीं पाए थे, पूरा लेट रहे थे उनको रात, मतलब रात को 2-3 बजे उनको उल्टी, फीवर, लूज मोशन, हाथ पैर में दर्द सारे शुरू हो गया था। तो मैंने उठ कर उनको मेडिसिन वगैरह दिया, बहुत तेज़ फीवर आया था, तो उन्होंने छुट्टी ले रखे, छुट्टी लेके दिन भर रेस्ट करे। उसका अगले दिन हर्षित को भी हो गया सेम चीज़, तो बस उसने तो उठ नहीं पाया बिस्तर से, मम्मी चक्कर आ रहे, फिर उसको डॉक्टर भी दिखाना पड़ेगा शाम को, फिर देखते हैं एक दिन घर पे मेडिसिन देके देखो, फिर बाद में ठीक नहीं होगा तो फिर डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो इधर मैं पोहा बना रही हूँ, मतलब पोहा बनाने के, पोहा तो मेरा बन गया, बस सिंपल सा बना दिया, उसमें उनका तबीयत थोड़ा खराब है, मुँह में कुछ स्वाद नहीं जा रहा ऐसा। सांडे वो बाहर ब्रेकफास्ट करता है हर सांडे को, तो मैंने तेल ले लिया था, तेल में मैंने थोड़ा सा सरसों डाल दिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया, बस फिर प्याज डाल दिया, प्याज डाल के उसको मतलब 2-3 मिनट, मतलब प्याज को ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो पोहा का टेस्ट अच्छा रहेगा। मैंने वो बादाम भी फ्राई कर लिया था, बस पोहा धो के रख दिया था, फिर सारे चीज़ करके मैंने पोहा मिला दिया, अभी उसको थोड़ी देर में फ्राई कर लूँगी, फिर लास्ट में थोड़ा धनिया पत्ता डाल दूँगी, मेरा पोहा बन के रेडी हो जाएगा।
थोड़ा हेल्दी भी होता है और वो तो बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादातर 5-7 मिनट लगता है बनाने में। तो ऐसे तो सांडे में मतलब ब्रेकफास्ट घर पे सुबह बनाती नहीं हूँ और बाहर से खा लेता है, उसका पापा वो तो नहा के खाना खाने में देर तो बच जाता है, तो एक कटा जो भी बनता है वो खा लेते हैं। फिर सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाती, तो आज उसने बोला उसकी तबीयत खराब है, बाहर से भी कुछ खाएगा नहीं। तो मैंने ऊपर से जो मूँगफली डाल के रखा था उसको डाल दिया, बस मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। तो यही है, फटाफट से बना लेती हूँ और दोनों बाल काटने गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे काम हो गया, बस पूछा लगाऊंगी किचन में, तो ये बना के फिर हमने वो लंच किसने नहीं किया था क्योंकि बाल काटने के आने के बाद 11:30 बज गया था। फिर उसने घर से नहा के ये खा लिया था, तो उसने कुछ खाया नहीं। और फिर उसका पापा भी नहा के आया, फिर 1:30 बज गया, फिर उन्होंने भी पोहा खाया और कुछ खाया नहीं। फिर जो भी बना था रात को बना था, तो रात को नहीं शाम को हम थोड़ा मार्केट चले गए थे, ऐसे हर्षित के लिए भी कुछ गिफ्ट लाना था, उसको क्या गिफ्ट भी मिला मैं बाद में ब्लॉग में बताऊंगी। तो बस मेरा पोहा बन के रेडी है, अभी छोड़ दिया उसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के लिए। अभी मैं धनिया पत्ता उधर बोलते साफ कर रही हूँ, बस यही है संडे का, यही है सुबह उठना थोड़ा। संडे तो मैं चाय नहीं बनाती, उसका पापा चाय बनाते। फिर 2 संडे हो गए मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के चला जाता है, पार्क चला जाता है उसको पापा को लेके, तो वो लोग आते करीब 8-9 बज जाता है, तो तब तो मैं उठ जाती हूँ, उठ के मैं आप चाय वाय बना लेती हूँ जो भी काम है। नहीं तो मोस्टली जो घर पे रहते हैं तो सांडे को वही चाय बनाते हैं। तो बस फिर मैंने बार बार सबका तेल मालिश कर दिया, मालिश करा के मेरा पोहा भी बन गया, पोहा भी मेरा रेडी हो गया। अभी इसको बना के रख दूँगी, फिर मैं अपना जो पूछा लगा दूँगी, पूछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। देख सकते फाइनल मैंने पोहा बना लिया, इधर थोड़ा मूँगफली थोड़ा उसको क्या कहते सेव भाजी वो कहते ऐसा कुछ कहते मुझे नहीं पता, प्याज टमाटर और नींबू धनिया पत्ता हरी मिर्च काट के रख दे ऊपर से गार्निश करने के लिए। बस फिर जो जो खाएगा उसको डाल के खा लेंगे। मेरा पोहा बन गया, मैं बना के रख दिया, अभी मैं नहाने जाऊँगी। तब तो नहाने गई थी वो भी आ गया था, तो उसको नहला दिया, फिर मैं भी नहा ली। बस यही है हमारा संडे। हेलो, वेलकम टू आवर न्यू चैनल, सॉरी वेलकम बैक टू द चैनल। देखना चाहोगे? मम्मी द स्वीपर, पर अपन इधर बैठ के आराम से पंखे में, नहीं पंखा तो नहीं चल रहा फिलहाल। यस गाइस, आज नया व्लॉग शुरू है, इधर कुछ पड़ा है नया नया, वो मम्मी बाद में बताएगी है ना। नया नया हाथ का उसके फीचर सब डिस्कस करेंगे बाद में आराम से बैठकर। ये रसोई से सेव पोहा प्याज धनिया पत्ता बादाम मिर्ची थोड़ा सा टमाटर कच्चा। तो आज का व्लॉग शुरू हो गया, दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, संडे को ये नॉर्मल है। चलो आगे मिलते हैं। ज़ूम कर लिया आज कुछ है क्या? आज कुछ है क्या? पूजा करने के लिए कुछ होना चाहिए नहीं, ऐसे तो हम पूजा नहीं करते। तो
तब मैं क्या कहते हैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से मैंने कुछ वो जो घर में जो धुआं देते हैं ना हवन का सामान वो लेके आई थी, तो उसमें मैं उसको थोड़ा कोट कूट के उसके साथ मिक्स कर रही हूँ। अभी पूजा मैं करूँगी, पूजा करने करने में बहुत लेट हो गया था, तो बस मतलब ये शनिवार रात को मैं लेके आई थी पूजा का सामान कुछ लेके आई थी। मंदिर का वो जो आगे पर्दा लगाते वो पर्दा भी मेरा फट गया था, तो नया पर्दा कुछ हवन का सामान और माता के लिए चुनरी ऐसा कुछ लेके आई थी, तो बस उसी को मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। नहा के आ गई, बस पूजा करूँगी, तो उससे पहले मैं इसको करूँगी, फिर सारे घर में धुआं जलाऊँगी, फिर मेरे को पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था, मतलब डेढ़ से दो एक से डेढ़ घंटा से ऊपर लग गया था। तो ये करके मैंने भी वो थोड़ा सा पुआ खा लिया था, तो उसका पापा भी उसका पापा ने बोले मैंने खा लिया, तो उन्होंने भी खाए नहीं थे, तो मैंने आके उनको दिया, उन्होंने तो उस टाइम उनको खाने में 2 बज गया, और दोपहर को किसी ने कुछ नहीं खाया, तो शाम को हम मार्केट चले गए थे बाहर से खा लिया। तो अभी हम मार्केट आ गए, कुछ छोटे मोटे काम था ये बुक के दुकान में, वो दोनों गए पापा बेटा उसका बुक वगैरह कवर करने के लिए, नोटबुक वगैरह वो लाने के लिए, कि मैं इधर बाहर खड़ा हूँ। तो बस यही है, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं था, मैंने कुल्फी खा लिया, उसने भी मेरे साथ कुल्फी खाया। मैं उसको पूछा वर्षित कुछ खाना है, बोला नहीं खाना, तो घर पर जाकर बोला मेरे को बर्गर खाना है, तो रात को 10 बजे था, बर्गर कहाँ से लाए, फिर उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया बर्गर लाना, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया वो जोमेटो से, तो अपना बर्गर रोके थे फ्रेंच फ्राइज, तो उसने वो ला कर खा लिया था, और हमने भी रात को कुछ ऐसा खाया नहीं था, मतलब कुछ खाया नहीं था, एक कुल्फी जो खा के आया था, मेरा पेट भरा हुआ था, तो हम ऐसे सो गए थे, वो कुछ खाया नहीं। तो इधर हम देख सकते हैं मैं कुल्फी खा रही हूँ, वैसे मैं बाहर का खाना अभी एवॉइड करूँ, अभी बाहर का खाना खाने का मुझे मन नहीं कर रहा ज़्यादा, तो बस मैं कुल्फी खा कर आ गई थी। उसका भूख वगैरह जो छोटे मोटे काम था उसको ख़त्म करके आ गई थी, तो उसने रात को 2:30 बजे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर लिया था, तो उसने यही खा लिया था। नहीं तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट। I can see my own silhouette. I'm getting stronger.